एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है 20 ब्रैकेट में है y प्लस 4 फिर ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाय 5y प्लस 4 5 ब्रैकेट में है y प्लस 4। अब इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक चीज हमें y प्लस 4 दिख रही है तो ये कट जाएगा, फिर ये 5 4 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, तो इसका आंसर दिया है फिफ्थ पार्ट में है x ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2 एंड 3 डिवाइड बाय x ब्रैकेट में x प्लस 1 इतना दिया। तो यहां पे ये x x कट जाएगा और x प्लस 1 भी कट जाएगा, तो बचा x प्लस 2 एंड x प्लस 3 बचा, तो इसका आंसर ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 3 y प्लस 5। यहाँ पे ऐसा बोला कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइडेड देम इज डायरेक्टेड, यहाँ पे इसको पहले फैक्टराइज करना है फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले हमें y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इसको सॉल्व करना रहेगा, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी इसका तो स्क्वायर हो रहा है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे हमने आगे सीखा है 10 के ऐसे पार्ट करेंगे कि 7 आंसर आए, ठीक है। 10 कौन से टेबल में आएगा, एक तो 2 5 जा टेबल, ठीक है, फिर 10 1 जा 10 भी हो सकता है, हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना रहेगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे तो 7 आएगा, ऑफ कोर्स एडिशन 2 प्लस 5 किया जाए तो 7 आ जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट जो y स्क्वायर है वो और प्लस 10 ये दोनों वैसे का वैसा लिखा जाएगा और बीच में ये दो पार्ट लिखे जाएंगे 2 एंड 5 2 प्लस 5 है ना, तो 2 प्लस 5 अभी 2 एंड 5 को साइन बीच में ये जैसे 7y है ऐसे इसको भी ये बनेगा 2y एंड ये बनेगा 5y और यहाँ भी साइन क्या आएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें एडिशन करके 7 लाना ना, तो दोनों का एडिशन करने पर 7 आएगा, ठीक है। 7 लाने के लिए दोनों पॉजिटिव होने जरूरी है। नीचे है y प्लस 5 तो वो अभी ऐसे का ऐसा रखें। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मिलेगा y, अब यहाँ पे एक y बचेगा प्लस ये टर्म में 2 बचेगा फिर प्लस आगे जो चीज आया वो फिर से ब्रैकेट वाला वही आएगा y प्लस 2 वो आ रहा है, चेक करेंगे
तो y मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 5 y होगा 5, तो यहां पे आएगा कॉमन 5, और वैसे भी दोनों में कॉमन 5 ही लेंगे तभी यहां पे y बचेगा और प्लस 5 2 जा 10 तो यहां पे 2 बचेगा, सो सही है। अपन में y प्लस 5 तो सेम चीज कट हो जाएगी y प्लस 5, बट उसके लिए ये पहले लिख लेंगे तो y प्लस 2 जो दोनों में कॉमन है वो, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा y प्लस 5। अब नीचे जो y प्लस 5 है वो और ऊपर का y प्लस 5 ये दोनों कट गया तो बचा y प्लस 2, तो आंसर आया y प्लस 2। सबसे पहले ये m square और 32 ये दोनों तो वैसे का वैसा ही लिखेंगे m square and minus 32, बीच में क्या आएगा ये 32 पे डिपेंड करेगा तो 32 के पार्ट करेंगे तो 32 कौन से टेबल में आएगा तो 16 2 जा 32 हो जा रहा है। अब ऐड या सबट्रैक्शन करके क्या माइनस 14 आ रहा है ये चेक करना है, ठीक है लाना क्या है माइनस 14, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 14 आएगा, ठीक है लेकिन 2 में से अगर 16 माइनस किया जाए 2 माइनस 16 तो आंसर क्या आएगा माइनस 14, तो हमें क्या लाना है माइनस 14, इसलिए 2 का साइन प्लस रहेगा और 16 का माइनस, तो बीच में ये दो टर्म आएंगे m के साथ कि माइनस 16m प्लस 2m और ये माइनस 32 तो यहाँ पे था ही वो लास्ट, ठीक है तो ये चार टर्म हो गए और नीचे है m प्लस 2 वो तो कॉपी किया। अब इनमें क्या कॉमन मिलेगा हमें m कॉमन मिल रहा है सो बचा यहाँ पे 1m और यहाँ पे बचा 16 फिर प्लस आगे जो ब्रैकेट में आया था वही सेकंड ब्रैकेट में भी आएगा तो m माइनस 16 आने के लिए कॉमन क्या होना चाहिए 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई m तो 2m होगा, 2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 32 होगा राइट, और अकाउंट में m प्लस 2 है तो अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में आएगा m माइनस 16 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा m प्लस 2 और नीचे बचा है m प्लस 2, तो m प्लस 2 कट गया तो आंसर आया m माइनस 16। थर्ड पार्ट 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाय p माइनस 1, तो यहां पे सबसे पहले ऊपर 5p स्क्वायर n प्लस 20 उसको वैसे का वैसा लिखेंगे। अब 20 के ऐसे पार्ट करेंगे कि आंसर माइनस 25 है,
तो 20 कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में, 5 फोर द 20, तो 5 फोर द 20 से हमें, हाँ एक मिनट, अब यहाँ पे जो 5 है ना उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा 20 से, तो ये क्या बन जाएगा 100। अब हमें 100 के पास चल रहे हैं, जब यहाँ वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने का, 5 मल्टीप्लाई 20 तो 100 हुआ, आप 100 के पार्ट कर रहे हैं 20 के नहीं, ठीक है, तो 100 कौन से टेबल में आएगा, 25 फोर था होता है 100, और लेकिन इन दोनों का कुछ भी करके 25 आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है, और कौन से टेबल में आएगा 20, 25 था 100 हो जा रहा है, ठीक है, तो एक ये हुआ, तो हम ये चीज लेंगे 20 एंड 5। अब 25 लाना हो तो क्या करने पड़ेगा, दोनों का एडिशन 20 प्लस 5 25 हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या लाना है माइनस 25, तो माइनस 25 कैसा आएगा, अगर हम 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो वो 15 हो जाएगा, अगर 5 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो भी माइनस 15 आएगा, बट माइनस 25 नहीं आ, तो माइनस 25 होने के लिए ये दोनों एक क्या होने चाहिए माइनस, तब ये माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 20 और माइनस 5 दोनों सेम साइन तो एडिशन हुआ 25, और बड़ी वैल्यू की साइन तो माइनस 25। सो यहाँ पे ये दो चीज, ये दो टर्म बीच में आएगी माइनस 20 एंड माइनस 5 पी की मल्टीप्लाई के साथ, तो माइनस 20 पी एंड माइनस 5 पी, ठीक है, तो अब ये हो जा रहा है माइनस 25, और नीचे बचा है पी माइनस 5। अब ऊपर इन दोनों में कॉमन मिलेगा, एक तो 5 और दूसरा पी, तो 5 भी कॉमन मिलेगा, सो पहले ब्रैकेट में बचेगा पी माइनस पी, और 5 कॉमन लिया है, ठीक है, तो पी हम फिर से नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और 5 फोर सा 20 है, तो 4 यहाँ पे बचा, फिर ये माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 5, अंदर क्या बचेगा p बचेगा, और आगे जो ब्रैकेट में है वही चीज फिर से आएगा, इसलिए वही चीज कॉपी कर देते हैं, इसलिए देखो 5 मल्टीप्लाई पी तो 5 पी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 मल्टीप्लाई 4 5 फोर सा 20 हो गया, और नीचे बचा है p माइनस 1। अब पहले ब्रैकेट में आएगा p माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5p माइनस 5p माइनस 5, और नीचे क्या दिया हुआ था हमें p माइनस 1। अब आप कहेंगे कि p माइनस 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ अभी भी एक 5 जो है वो कॉमन हम निकाल पाएंगे, ठीक है, तो पहले ये p माइनस 4 को वैसे का वैसा लिख देते हैं, अब इसमें हमें 5 कॉमन मिल रहा है तो मल्टीप्लाई 5, और क्या बचा, तो अगर 5 कॉमन ले लिया तो p बचा, और 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहा वहाँ 1 कॉमन लेना होता है, और अपन तो है p माइनस 1, जो कि आप ऊपर भी है p माइनस 1, तो यहाँ पर ये कट गया, तो बचा 5 एंड p माइनस 4, और मुझे 5 मल्टीप्लाई p माइनस 4, ये हुआ आंसर इसका 5 ब्रैकेट में p माइनस। तो इसका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड में 5 एंड p माइनस
अब इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है फोर वाई जेड ब्रैकेट में है जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड माइनस 16 और डिवाइड बाय 2y ब्रैकेट में z प्लस 8। तो अब यहां पे 4yz है, 4yz, अब इसे अगर हम काटते, देखिए ये y तो काट दिया, 2 to the 4 हो गया, तो यहां पे ऊपर बचेगा 2z, ठीक है, तो ऊपर बचा 2z। अब ये 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर करने से 16 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रूल इसका लगा सकते हैं, तो z स्क्वायर जो है वो z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और यहाँ पे लास्ट में जो माइनस है वो माइनस 4 का स्क्वायर करने से 16 हो जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चले हम आप वहां यहाँ पे आगे का ही अपना बोला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे पहले 2z बचा हुआ हो और यहाँ पे हम करेंगे 16 के ऐसे पार्ट करेंगे कि आंसर जो है वो 6 आए, ठीक है, तो एक टूजा हो जाता है 16 16 16 4 4 16, तो हमें आंसर 6 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, अब हमें ये पॉजिटिव 6 लाना है, तो प्लस 8 में से प्लस 2, ठीक है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा, तो सिर्फ 2 का साइन माइनस रहेगा, 8 का प्लस, तो ये प्लस 6 आएगा, तो z स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस 8z और माइनस 2z और ये माइनस 16 को कॉपी, अपन में बचा z प्लस 8, तो 2z ब्रैकेट में कॉमन क्या मिलेगा z, ठीक है, z कॉमन निकाला तो और क्या बचेगा, 8z और बचेगा प्लस 8 बचेगा, फिर माइनस यहां भी z प्लस 8 कॉमन आना चाहिए, ब्रैकेट में आना चाहिए, तो अगर z ब्रैकेट में आ गया तो बाहर क्या बचेगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई z तो 2z और 2 8 16, नीचे है z प्लस 8, तो यहां भी ये 2z फिर z माइनस 2 और ये z प्लस 8 और नीचे है z प्लस 8। अब कॉमन चीज क्या है, z प्लस 8 ऊपर और नीचे है तो कट गया, तो बचा हमारे पास 2z एंड z माइनस 2, तो ये इसका आंसर हुआ, नीचे ही लिख देते हैं 2z बचा और ये z माइनस 2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है फाइव पी क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2p ब्रैकेट p प्लस q। तो अब यहां पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, ये a स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सॉरी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे उस तरह से, तो पहले 5pq कॉपी, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो एक बार ब्रैकेट में आएगा
पी माइनस क्यू एंड एक बार आएगा पी प्लस क्यू, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में है 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू, तो यहाँ पे देखिए पी पी कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 अपॉन 2 बचेगा, ठीक है 5 एंड नीचे 2, और ये p प्लस क्यू भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा p माइनस क्यू और नीचे क्या बचा 2 और कुछ नहीं। तो आंसर आया 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पी माइनस, तो ये इसका आंसर। ओके, और दो पार्ट है जो आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं। ओ थैंक यू।